कोटा में एक पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी देखने को मिली है, जहां पर कांस्टेबल को गोली मारने के बाद भी बदमाश कांस्टेबल की मजबूत बाजुओं से निकलने में कामयाब नहीं हो सका। ये सारा घटनाक्रम गुमानपुरा थाना इलाके के कोटड़ी चौकी के पास का है, जहां हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम में से एक कांस्टेबल पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी। हादसे में कांस्टेबल के दोनों कंधों पर गोली लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर नहीं भाग सका। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटड़ी इलाके में विज्ञान नगर थाने का हिस्ट्री शीटर शानू छुपा हुआ है, जिसके खिलाफ जानलेवा हमला सहित कुल 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी लोडेड पिस्तौल के साथ था शाहनवाज, जो कि एक विज्ञान नगर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और वांटेड चल रहा था। और इन्फॉर्मेशन थी कि इसके पास हथियार है, स्टेट स्पेशल टीम पकड़ने गई थी और इस पर जब गुत्थम गुत्था हुए तब अपराधी के द्वारा इनमें फायर किए गए और एक फायर जो है लेफ्ट आर्म में लगा और दूसरा राइट शोल्डर में लगा। लेकिन अभी हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स ली है उस हिसाब से काफ़ी ठीक है, सिटी स्कैन हो गया, सेफ है और उस अपराधी शाहनवाज को पकड़ लिया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी योगेंद्र, बताएं कि कांस्टेबल का स्वास्थ्य इस वक्त कैसा है, क्या कोई सुधार आ पाया है स्वास्थ्य में? भारती, मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल के हालत में पहले से काफी सुधार है। हालांकि जो कांस्टेबल नरेंद्र सिंह है उसके दोनों कंधों पर गोली लगी थी और समय रहते उसको उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, दोनों गोलियां निकाल ली गई है, उनका जो स्वास्थ्य है वो खतरे से बाहर है। और जो पुलिस के तमाम अधिकारी है वो रात को ही देर रात को अस्पताल पहुंच गए थे, उन्होंने कांस्टेबल की बहादुरी पर शाबाशी भी दी। साथ ही मुख्यालय को ये लेटर भी जो है कोटा पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र सिंह जो कांस्टेबल है उसने अपनी जान पर खेलकर जिस तरह से कुख्यात जो बदमाश है शानू शाहनवाज उसको पकड़ा, गोली लगने के बाद भी उसको जकड़ के रखा, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की बहादुरी है वो साफ तौर पर झलकते आती है। और भारती, मैं आपको बता दूं कि ये गंभीर भी विषय है कि जब पुलिस को सूचना थी कि मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना थी कि एक हथियारबंद बदमाश इलाके में मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस निहत्थे गई, तो कहीं ना कहीं अगर सजगता नहीं होती, पुलिस की सजगता नहीं होती, कांस्टेबल की सजगता नहीं होती, निश्चित तौर पर इसमें बड़ा जो खामियाजा है वो पुलिस को भुगतना पड़ता। बिल्कुल योगेंद्र, मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी, जब ये सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए पुलिस को, तो क्या उस वक्त वो कांस्टेबल वहां पर अकेला ही था जो लड़ रहा था? बाकी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि शानू उस शाहनवाज जो है वो इलाके में छुपा हुआ है, जो शानू है वो विज्ञान नगर का हिस्ट्री शीटर है, 16 मुकदमे उसके ऊपर अपराधी मुकदमे दर्ज है, जानलेवा हमलों के मुकदमे दर्ज है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी था कि वो जो है हथियारों के साथ हो सकता है, लेकिन पुलिस को पूरा पुख्ता नहीं पता नहीं था। और जो नरेंद्र सिंह है वो अपने दो साथी कांस्टेबलों के साथ वहां पर पहुंचा और जो अभी तक जो जानकारी पुलिस के जरिए मिली कि शानू की नजर सबसे पहले नरेंद्र के ऊपर पड़ी थी, उसको डर था कि कहीं उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो उसने अंधाधुंध वहां पे फायरिंग शुरू कर दी, तो पहली गोली जो नरेंद्र के कंधे पर लगी, उसके बाद नरेंद्र ने अपनी जान पर खेलकर उसको शानू को वहीं जकड़ लिया था, तो बीच बचाव करने के चक्कर में जब उसको लगा कि वो फंस चुका है और वहां से निकलने की कोशिश करी तो इसने एक गोली और उसके कंधे पर मार दी, उसके बावजूद भी नरेंद्र ने आपा नहीं खोया, अपना साथ नहीं खोया, उसको पकड़ लिया। इसी दौरान जो दूसरे साथी कांस्टेबल थे वो भी मौके पर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की नाकामी है वो भी साफ तौर पर यहाँ पे झलकती है कि जब पता था कि हिस्ट्री शीटर है और जानलेवा हमलों का आपराधिक है, उसके बावजूद भी पुलिस निहत्था गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस को खामियाजा इसमें भुगतना पड़ सकता था। योगेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांस्टेबल ने अपनी बहादुरी का परिचय वहां पर दिया और इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को पकड़वा दिया, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर बन रहा है, जब कांस्टेबल और हिस्ट्री शीटर का आमना सामना हुआ तो क्या उस वक्त कांस्टेबल के पास हथियार नहीं थे, क्या वो हथियारों से लैस नहीं था? भारतीय, जो पुलिस से अभी तक जानकारी आई है और जो आसपास के इलाके के लोगों ने बताया है, उन्होंने ये बताया कि जो पुलिस वहां पर पहुंचे थे, जो तीन कांस्टेबल पहुंचे थे वो निहत्थे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी साफ झलकती है। जो इलाके के लोगों का भी ये कहना है कि निहत्थे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र ने वहां पर साहस दिखाया, पकड़ा, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की छवि पर भी सवालिया निशान उठता है
कि हथियारबंद को जब आप पकड़ने गए हो, एक बदमाश है हथियार पे, उसके 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 पास हथियार हो सकते हैं, उसके बावजूद भी जब निहत्ते वहां गए, तो एक सवाल पुलिस पर भी खड़ा हो सकता है। रात का समय था, हालांकि इसमें 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 जो पुलिस है वो आसपास के इलाकों ने भी इलाकों को भी हाई अलर्ट कर दिया था कि जो बदमाश हो के भागने की सब मिल सकती है सूचना, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की नाकामी यहाँ पे ये साफ भारतीय सामने आई कि पुलिस वहां गई और निहत्ता गई। सबसे बड़ी बात ये है, ना एसआई साथ में गया, ना थाना अधिकारी साथ में गया, सिर्फ तीन कॉन्स्टेबलों के हवाले उस हथियारबंद जो बदमाश उसको पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी। योगेंद्र, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हिस्ट्री शीटर जिस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं, हथियारों से लैस वो पहुंचता है और हमारी पुलिस बिना तैयारी के वहां पर पहुंचती है, मात्र तीन कांस्टेबल उससे लड़ने के लिए पहुंचते हैं। क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई है कि इसकी वजह क्या सामने आ रही है? भारती, मैं आपको बता दूं कि पुलिस से जब भी उनकी नाकामी की बात की जाती है, वो हमेशा ही अपना जो है पल्ला वो झाल लेती है। वो यही कहती है कि हमारी पूरी तैयारी थी वहां पर, लेकिन तैयारी किस तरह की थी ये कल के हादसे के बाद पता लगा, जो है सामने कोटा की जनता के सामने आ चुका है। भारती, एक उदाहरण आपको दूं कि 2 साल पहले ही ऐसा ही एक आपराधिक मामला सामने आया था कुनाड़ी में। वहां पर थाना अधिकारी को सूचना मिली थी, वहां पर फायरिंग हुई थी, पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसमें थाना अधिकारी को खुद पैर में गोली लगी थी, वहां पे दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग तब की गई जब वहां पे और अतिरिक्त जाप्ता पहुंचा, लेकिन जब वो अपराधियों को पकड़ने गए थे उस टाइम पे भी पुलिस निहत्ता गई थी, और कल जब अपराधियों को पकड़ने गए तो महज 3 कॉन्स्टेबल ही वहां गए थे। तो पुलिस को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि हथियारबंद अगर किसी बदमाश को पकड़ने जा रहे हैं तो वहां पे अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, या जो है जो अपराधी है उसको किस तरह से पकड़ा जाए, उसकी पूरी प्लानिंग के तौर पर जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता योगेंद्र महावर, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर पूरी